नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न के एक आदर्श भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 11 नंबरों का मतलब होता है कुंभ लग्न, और कुंभ लग्न में चंद्रमा षष्ठम भाव का स्वामी होता है। षष्ठम भाव का स्वामी होकर जब भी अपने स्थान से षष्ठम स्थान और कुंडली के एकादश स्थान में स्थित हो जाता है तो यह शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, हमने बात करी थी कि छठा भाव रोग स्थान होता है, और छठे का छठा भावाद भावम नियम के अनुसार छठे का छठा भी रोग स्थान होता है। रोग स्थान का स्वामी जब अगेन रोग स्थान में बैठ जाता है तो यह कंपैरेटिवली शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, एक अन्य बात भी हमने बात करी थी कि कभी भी 11th हाउस में बैठकर कोई भी क्रूर ग्रह या अशुभ ग्रह अपना अशुभत्व या क्रूरत्व नहीं प्रदान करता। तो यहाँ पर हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि क्योंकि यदि एक त्रिक भाव का स्वामी है, एक त्रिषडाय भाव का स्वामी है, त्रिक भाव और त्रिषडाय भाव का स्वामी होकर यह ऑलरेडी अशुभ हो गया है, क्रूर हो गया है, और जब यह 11th हाउस में स्थित होता है तो यह नेगेटिव फल प्रदान नहीं करेगा, यह सिद्धांत है। तो यह अपने क्रूरत्व को भी छोड़ देगा, अपने अशुभत्व को भी त्याग देगा, लेकिन यहाँ पर यह मारक बन जाता है। जब रोग भाव का स्वामी अगेन रोग भाव में बैठ जाता है तो प्रबल रोग प्रदान करने वाला यह बन जाता है। तो चंद्रमा से संबंधित रोग व्यक्ति को प्राप्त होंगे। लंग्स से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित व्यक्ति को समस्या हो सकती है, सांसों से संबंधित व्यक्ति को समस्या हो सकती है, बदलते मौसम में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाना, सर्दी जुकाम जल्दी हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, एलर्जी हो जाना, स्पेशली एलर्जी का कारक चंद्रमा होता है। तो इससे संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं वो व्यक्ति को प्राप्त होंगे, रोग के रूप में प्राप्त होंगे। लेकिन चंद्रमा अपनी महादशा अंतरदशा में और 12 साल की उम्र, 24 साल की उम्र, 36 साल की उम्र और 48 साल की उम्र में बेहतर रिजल्ट प्रदान करने वाला होगा, व्यक्ति को फाइनेंशियली ग्रोथ प्रदान करने वाला होगा। देखिए, लाभ के भाव में जब चंद्रमा बैठता है तो आप ये मानिए कि धन की कमी नहीं होने देता, और वह भी अपनी मित्र की राशि में बैठा है। यहाँ पे धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी होता है गुरु। गुरु की राशि में जब चंद्रमा स्थित है तो यह एक शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि पंचम भाव पर भी है। पंचम भाव होता है संतान भाव, मान प्रतिष्ठा सम्मान का भाव। यहाँ से जब शुभ चंद्रमा पंचम भाव पर दृष्टि देता है तो व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला यह बन जाता है, एक विलक्षण संतान प्रदान करने वाला बन जाता है। व्यक्ति की जो संतान होती है वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा ग्रो करने वाली होती है। संभावना ऐसी भी हो सकती है कि व्यक्ति की जो संतान है वह मेडिकल के क्षेत्र से संबंध रखती हो। मेडिकल से मतलब रोग से संबंधित, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड डॉक्टर हो सकती है, कंपाउंडर हो सकती है, नर्स हो सकती है, या दवाई की दुकान की मालिक हो सकती है, या फिर MR हो सकती है। तो इनमें से कोई सी भी फील्ड जो कि रोग अथवा दवाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाली हो, ऐसी कोई भी क्षेत्र हो उसमें यह संतान अपना वर्चस्व रख सकती है। तो ऐसी पूर्ण संभावना है। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब यह अपने स्थान से अष्टम स्थान पर स्थित होता है तो सांसारिक भोगों की उपलब्धता प्राप्त कराने में व्यक्ति को संघर्ष प्रदान करता है। कब करता है? देखिए, 24 साल की अवस्था तक विशेष रूप से करता है। इट मीन्स कि 24 साल की उम्र से पहले वाला जो व्यक्ति का समय होगा वो संघर्ष वाला होगा, वह प्रयासों वाला होगा। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष करने पड़ते हैं। सांसारिक भोगों की उपलब्धता से मतलब हो गया कि वाहन, भूमि, भवन और माता के सुख से व्यक्ति को वंचित कर सकता है, लेकिन 24 साल की अवस्था के बाद यह चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, चंद्रमा के जाप और हवन होने बहुत आवश्यक है। किसी ब्राह्मण से बात करके इसके समय समय पर जाप और हवन कराते रहना चाहिए, जिससे कि यह शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। अथवा एक काम और भी हो सकता है कि इसको अगेन आप षष्ठम भाव में मूव करा लें। षष्ठम भाव में मूव कराने के लिए किसी ऊंचाई वाले स्थान से चंद्रमा के पदार्थ, या तो दूध कच्चा अथवा कच्चे चावल, पानी में प्रवाहित करना शुरू कर दें, स्वच्छ जल में प्रवाहित करना शुरू कर दें। किसी ऊंचाई से मतलब हो गया कि पुल पर चढ़कर और नीचे गिरा दें, तो आप ऐसा करके और चंद्रमा को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, सोमवार से शुरू करके 43 डेज यदि कंटिन्यूसली आप करेंगे तो और अधिक बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इसके उपाय का।
यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो यह चंद्रमा एक शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी कुंभ लग्न के एकादश भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कुंभ लग्न के द्वादश भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।